हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं गर्भ संस्कार की। बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे, मैडम हम आपकी ओपिनियन जानना चाहते हैं गर्भ संस्कार के बारे में, तो आज मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाया है। मैं इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाली हूँ वो किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लिए, यानी कि किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के लिए नहीं है, बल्कि ये गर्भ संस्कार है हर जाति के, हर रिलीजन के लिए। आप किसी भी धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस गर्भ संस्कार का वीडियो को देखते हैं और वैसा अनुसरण करते हैं, वैसे कि वैसे आप फॉलो करते हैं, तो क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी जो आने वाली संतान है वो सर्वगुण संपन्न ना भी हो तो कम से कम अच्छी जरूर हो, और वो ह्यूमन बीइंग की तरह वेल विशर हो ह्यूमन बीइंग के लिए, और सब कार्य करने में अच्छे आगे से बढ़ चढ़ कर रहे। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप गर्भ संस्कार को कर सकते हैं। गर्भ संस्कार में यहाँ हम कोई आपसे माइथोलॉजिकल या कुछ इस तरीके की बातें नहीं करने वाले जिनके ऊपर की आपको विश्वास नहीं हो। हम ऐसी बात करने वाले हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं, या उनके एग्जांपल अगर आप खुद भी अपने आसपास के माहौल में ढूंढना चाहेंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। सिर्फ थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत होगी आपको। हिंदू धर्म में हालांकि 16 संस्कार होते हैं, उसमें जो सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान के बाद वो होता है पुंसवन। यहाँ हम गर्भाधान पुंसवन को मिलाकर एक ही बात आपको बताने वाले हैं कि गर्भ धारण करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और गर्भ धारण करने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आपके आने वाली संतान आपके मन पसंद की हो। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जब आप गर्भ धारण करने वाले हैं तो आप 1 महीना 2 महीना पहले से हमारे हिसाब से एल्कलाइन डाइट लेना शुरू कर दीजिए, जिससे दोनों कपल अगर एल्कलाइन डाइट ले रहे हैं तो हस्बैंड का भी जो सीमन बनेगा वो बहुत अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, और वाइफ का भी जो बनेगा एग वो अच्छी क्वालिटी का होगा, जिससे कि आपकी आने वाली संतान हर तरीके से हेल्दी होगी, उसमें कोई क्रोमोसोमल इफेक्ट या हार्मोनल डिफेक्ट नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले डाइट के ऊपर ध्यान देना है। डाइट के साथ साथ आपने ध्यान देना है जब गर्भ धारण हो जाता है तो आप ये नहीं कि डाइट को गर्भ धारण के बाद आपने बंद कर देना है, तब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि आपने अपने लिए भी अच्छा बैलेंस्ड डाइट लेनी है और होने वाले बेबी के लिए भी बैलेंस्ड डाइट लेनी है। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि डाइट जो है पहले भी और बाद में भी आपको अच्छे से लेनी है। इसके बाद अगर आपने गर्भ धारण कर लिया है तो हम आपको बताने वाले हैं कि क्या करना है आपको। आपने अपने आप को जिस रूम में आप सोते हैं, जहां आप पूजा करते हैं, जहां आप खाना पकाते हैं, वहां की फ्रेग्रेंस को आप नोटिस करिए कि आपको वो फ्रेग्रेंस यानी कि जो खुशबू है वो सूदिंग होनी चाहिए। उसके लिए आप अपने घर में कोई अच्छे रूम स्प्रे को यूज नहीं कर सकते, तो अच्छी सी अगरबत्ती आप यूज कर सकते हैं। घर में आप ऐसे पेड़ पौधे लगा सकते हैं जिनकी फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लगती हो, और आप मसालों में वो मसाले खा सकते हैं जो कि सूदिंग भी हो और आपको उनकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी लगती हो, जिससे आपका मन खुश रहेगा तो आपके बेबी का भी मन क्या होगा, खुश रहेगा। फ्रेग्रेंस हमेशा सूदिंग और अच्छी आपको पसंद होने वाली होनी चाहिए। इसी के साथ म्यूजिक, अगर ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जैसे जैसे गर्भ में बेबी बड़ा होता है वो म्यूजिक को रेस्पॉन्ड करता है, तो कोशिश करके अच्छा म्यूजिक सुनिए, सूदिंग म्यूजिक सुनिए। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि बांसुरी का म्यूजिक बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि नहीं पियानो का म्यूजिक बहुत अच्छा होता है। आपको जो म्यूजिक सूदिंग लग रहा है आप उसको सुनिए, और जितना कूल होगा आपको वो उतना ही अच्छा लगेगा, और उसकी वाइब्रेशंस जो आपके बेबी के पास जाएंगी वो हमेशा अच्छी होगी। तो मेन तो है कि हमें अपने बेबी तक वाइब्रेशंस पहुंचानी है। वो वाइब्रेशंस आप अपने इमोशंस के थ्रू पहुंचा सकते हैं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो
डेफिनेटली आप में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो बच्चे के ऊपर उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा। म्यूजिक को बेबी जैसे जैसे बड़ा होता है रिस्पॉन्ड करता है, सिमिलरली वाइब्रेशन को। अगर आप देखें कि आप ऐसी बस से जा रही हैं जिसमें झटके ज्यादा लग रहे हैं तो आपको वाइब्रेशंस मिल रहे हैं तो वो बेबी को भी मिल रहे हैं, तो आपका बेबी उस समय क्या होता है, परेशान होता है। इसी तरीके से अगर आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, अननेसेसरी आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो आपके और आपके बेबी के लिए दोनों के लिए ही अच्छे नहीं है। इमोशंस से भी वाइब्रेशंस आते हैं कि सामने वाला आपको किस तरीके से देख रहा है या घूर रहा है, सामने वाला आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपका बॉस आपसे नाराज तो नहीं है, क्योंकि आप कितना भी करें बहुत सारी चीजों में अनअवॉइडेबल होता है कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफिस भी जाना होता है, आपको बहुत सारे काम मार्केट के भी करने होते हैं, और कई बार बाय नेचर हम कभी बार्गेन करते हैं कुछ करते हैं तो उससे सामने वाले की जो फीलिंग्स है वो आपके पास अच्छी नहीं आती। तो कोशिश करके सबकी ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करिए, अपने बॉस को भी परेशान मत करिए और अपने घर में भी सबके साथ एक बहुत ही कहना चाहिए कोलेट्रल या कहना चाहिए और भी कि आप कोऑपरेट करने वाला व्यवहार रखिए, वो आपके साथ बदले में उतना ही कोऑपरेटिव रहेंगे, आपको वो ब्लेसिंग्स देंगे। साथ में आप लिटरेचर जैसा पढ़ते हैं, अगर आप कोई डिटेक्टिव नॉवल पढ़ते हैं तो नेचुरली आपका बेबी उस समय वो डिटेक्टिवनेस सीखता है। अगर आप रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं तो आपका बेबी का इंक्लिनेशन भी रिलीजियस होता है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप अपने धर्म की किताब पढ़िए, ताकि आप अगर चाहते हैं कि हमारा बेबी वैसा बने तो आप कम से कम अच्छा लिटरेचर पढ़ के उसके पास अच्छी फीलिंग्स भेज सकते हैं। इसी के साथ आप लाइट कमरे में कौन सी यूज करते हैं, आप वो लाइट यूज करके बहुत तेज लाइट या बहुत तेज प्रकाश पड़ने से आपको अच्छा नहीं लगता तो आपके बेबी को कैसे अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आप अपने कमरे में इस बात का ध्यान रखिए कि लाइट जो है वो आपके पसंद के कलर की हो, सूदिंग हो, बहुत ज्यादा ऐसी ब्राइट लाइट आपके कमरे में ना हो जो आपको अच्छी ना लगती हो। पिलिग्रिम, अगर आपका कोई ऐसा स्थान है जहां आपको लगता है कि जाने से सबको अच्छा लगता है, वहां की ब्लेसिंग्स आपको मिलती है और आप किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, तो या तो आप गर्भाधान से पहले ही वहां होकर आइए, या आप क्या कर सकते हैं कि वहां की एक फोटो, बहुत बड़ा सा चित्र अपने पास, अपने पर्स में, अपने कमरे में, कहीं पे भी रख सकते हैं, ताकि आपकी श्रद्धा जो है बनी रहे। जब आपकी श्रद्धा अपने उसके लिए बनी रहेगी तो आप देखेंगे आपके अंदर जो इमोशंस आएंगे वो भी क्या होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। अब सीन जो है, आप कई बार मार्केट से जाते हैं तो आपको भोजपुरी में ऐसा सीन देखना पड़ जाता है जिसको आप देखना नहीं चाहते, आपको अच्छा नहीं लगता। कुछ लेडीज को तो वॉमिटिंग भी होने लगती है कुछ ऐसे सीन अगर उन्हें दिख जाते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये दीज थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो आपने क्या करना है, अब कम से कम अपने घर की सीनरी, अपने पर्स के अंदर एक फोटो एक अच्छी सी रख सकते हैं, अपने ऑफिस में दीवार पर नहीं टांग सकते तो अपने टेबल पे, अपनी फाइल में, अपने रजिस्टर में आप क्या कर सकते हैं, जो भी सीन, चाहे वो पिलिग्रिम का सीन हो या आपके पसंद का सीन हो, आप उसको लगा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो घोड़े की फोटो लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग लड़के की फोटो लगाते हैं कि हमारे घर में लड़का आना चाहिए, बहुत सारे लोग शेर की फोटो लगा देते हैं कि हमारा बच्चा जो है ऐसा होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है इन चीजों का असर पड़ता है? यस, इन चीजों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने क्या करना है, जैसा आप चाहते हैं कि आपका बेबी बने, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका जो बेबी है वो किसी तरीके से बुरा बने, तो कोशिश करके आप ऐसी चीजें अपने कमरे में लगाइए, अगर लगी हुई है जो कि आप नहीं चाहते तो आप उनको रिप्लेस कर दीजिए। और ऐसे लोगों को देखिए, जरूरी नहीं है कि जो फिल्मी हीरो हीरोइन है इन्हीं की फोटो आपने लगानी है, आप या किसी रेसलर की फोटो लगानी है, किसी प्लेयर की फोटो लगानी है, नहीं, आप अपने रिलेटिव्स में से अपने रोल मॉडल चुनिए और उनकी फोटो लगाइए, क्योंकि आपको लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में अच्छा किया, तो आप उनकी फोटो लगाइए, आपके बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरीके से
जैसे इमोशंस, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जो फोकस करती हूँ वो इमोशंस के ऊपर करती हूँ। आपको कैसे इमोशंस आ रहे हैं? आपको कोई पिक्चर देख के अच्छा लग रहा है या आपको कोई धार्मिक किताब पढ़ के अच्छा लग रहा है? तो जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसे करिए। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल अपनी फ्रेंड का देना चाहूंगी कि मेरी एक फ्रेंड जिसकी की एक बेबी पहले हो चुकी थी, लेकिन बहुत ही जल्दी उन्हें पता भी नहीं चला और दूसरा बेबी कंसीव हो गया। अब क्योंकि कंसीव हो चुका था तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, अब हो गया बेबी तो इसको होने देते हैं। हालांकि दोनों का डिसीजन बहुत अच्छा था, लेकिन वो जो मदर थी, मेरी फ्रेंड थी, वो हर वक्त ये सोचती रहती थी कि अरे एक साल बाद हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, एक साल बाद हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। तो क्योंकि उसने इतनी बार इस फीलिंग को अपने अंदर लेके आई, वो बेबी पूरे 9 मंथ तक उनके उसमें गर्भ में लाइव रहा, लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई बेबी की डेथ। तो अब आप ये देखिए कि उनको इतना रिपेंटेंस हुआ कि मैंने ये लाइन बोली भी क्यों। इसी तरीके से मैं एक और फ्रेंड को जानती हूँ जो कि ये खुद कहती थी कि नहीं, मेरे को अगर भगवान ने एक लड़का और एक लड़की देनी है तो सबसे पहले लड़की देते, क्योंकि उनकी एक अलग अप्रोच थी कि लड़कों की शादी जब पहले हो जाती है तो बहुओं के आने के बाद बेटियों का हक कम हो जाता है, ये उनकी अप्रोच थी। लेकिन भगवान ने उसको देखो एक बेटा और बेटी दोनों दिए, लेकिन बेटी पहले दी। तो इस तरीके से मैं इतनी भी आपसे नहीं कहूंगी कि भाई लड़का ही हो जाएगा या लड़की ही हो जाएगी, लेकिन जो भी होगा मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप उसको एक अच्छी फीलिंग दे सकते हैं। तो आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छा रखिए, किसी के लिए बैर भावना इस तरीके की डिबेट मत करिए, आप कोई गलत मत सोचिए, गलत लिटरेचर मत देखिए, गलत मूवी मत देखिए, आप अच्छे से रहिए, अपने इमोशंस को हमेशा कूल रखिए। उसको रखने के लिए आपको ये सारी एक्सेसरीज है, आप इसमें से कुछ भी चुन सकते हैं। आप किसी पिलग्रिम की जा सकते हैं, वहाँ की फोटो लगा सकते हैं, आप अपने ऑफिस में या घर पे अच्छा सीन लगा सकते हैं, आप लाइट को, फ्रेग्रेंस को, म्यूजिक को, वाइब्रेशंस को और लाइट को क्या कर सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, तो आपके बेबी को वो अच्छा लगेगा। और मैं ये नहीं कह रही कि बांसुरी की धुन अच्छी नहीं होती, बांसुरी की धुन बहुत ही सूदी होती है, और अगर आप इसको सुन रहे हैं डेफिनेटली आप में अच्छी वाइब्रेशन आती है, तो जिसने वो बांसुरी बजाई है उसकी अच्छी वाइब्रेशन भी आपके पास आती है। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड डू फॉलो दिस गर्भाधान संस्कार। थैंक यू वेरी मच एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। All the very best. Happy Sanskar.